करना ही होंगे। हाँ, मुझे वो पिक्चर डिलीट करनी होगी। कितनी हो गई? अभी तक तो बस एक साल की हुई है। ऑलराइट, तो 65 साल की उम्र में जाकर तो मुझे बताओगे कि प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है मेरी जान? हाँ, बता दूंगा अगर तुम पास हुई तो। तुम्हारे पास ही रहूंगी, सोचना भी मत कि मैं तुमसे कभी भी दूर जा सकती हूँ। हाँ हाँ, समझ गया, मैं भी तैयार हूँ। यालेन, हम दोनों तो भूल ही गए कि मेहमान आए हुए हैं बाहर। अरे, खाने पर बुलाया था ना, तुम्ही ने तो कहा था कि सब साथ में ही खाना खाएंगे, तुम खाना भी बना रहे थे और फिर तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आई थी। हाँ ठीक कहा, मुझे नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, अब मैं ही कह रही हूँ कि जल्दी से वापस चलो। छोड़ो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन यालन, बुरी बात है, मेहमानों को बुलाकर इस तरह से अकेला नहीं छोड़ते हैं। मैंने नहीं बुलाया था, यशम ने बुलाया था और तुम मुझे लेकर आई थी, अब मैं नहीं जा रहा, यहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम भी नहीं जा रही? हम दोनों जा रहे हैं, क्योंकि भाई जैसे ही जागेंगे वो हमें ढूंढेंगे, तो चलना चाहिए। अच्छा, किस दे दो फिर। जरूरत से ज्यादा फ्री नहीं होते जा रहे तुम। हाँ, तुमने तो किया है। एहसास दिलाया कि उनकी बात गलत थी। हाँ, अभी तक एहसास नहीं दिलाया, लेकिन पैचअप कर लिया। डेफिनेट तुम न चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो? ले जा रही हूँ इसे। इनको क्या हो गया? अब मुझे क्या पता। आरास, देखो बहुत हो गई है लड़ाइयाँ, बिल्कुल भी नहीं ठीक है, अल्लाह ना करे। हाँ, ये हुई ना बात, आ जाओ इधर। अब बताओ कि क्या मतलब है कि तुमने उन्हें एहसास नहीं दिलाया? नहीं दिला सकी, लेकिन 62 साल की उम्र में हो जाएगा। 62 साल में ही क्यों? बहुत सारी बहस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। मेरी जान, छोड़ो ना, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, अब तो सब ठीक है। हाँ, और डेफिनी और यशम ने बैठकर इसी वजह से इतने सारे मंसूबे बनाए थे। हाँ, हमने बैठकर इतनी सारी मीटिंग्स की, इतना सोचा, दिमाग लगाया, और तुम और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन तुमने क्या किया? हार मान ली, हार मान के बैठ गई। अब बताओगी कि ऐसा क्यों किया तुमने, क्या ऐसी वजह हो गई थी? अरे इसकी वजह से किया। तुमने ये सारा जोड़ लिया? आपको गए हुए आज 10 दिन हो गए। जब आप पहली बार छोड़ के गई थी तो मैं बहुत रोया था, मैं कितना उदास था, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वापस आएंगे। आप अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ेंगी, वापस आएंगी।